और वो वाला ब्रॉडबैंड नहीं जो आज हमें मिल रहा है, उससे बहुत बेहतर रोबस्ट हमारे बहुत सारे डायलॉग हो रहे हैं उसके ऊपर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर हमें चैलेंज किया जाता है क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। रेलवे कम्युनिकेशन और इसी तरह का डिपार्टमेंट देखते हैं तो कंटेनमेंट बोर्ड, DHA, मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंडियन काउंसिल, ये तमाम लोगों के इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी लीगल टीम को, मेंबर टेलीकॉम को, टेलीकॉम की पूरी टीम को, IT की टीम को, बिलखसूस सेक्रेटरी साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी कोशिशों काविशों के बदौलत ये मुमकिन हो सकता। आप सबके इल्म में है कि ROW पॉलिसी जब किसी से अप्रूव होने के बाद जब कैबिनेट में आई, अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माई कैबिनेट मेंबर ने उसको ऑब्जेक्शन लगा दिया और वो रुक गई। हमने बैकडोर डिप्लोमेसी की, दोबारा कैबिनेट में लेकर आओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो गई। इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट, आप तमाम लोग इसकी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर है कि टू प्रमोट द मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, नंबर वन, नंबर टू टू रिजॉल्व इशू रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्ट ट्रैक प्रोसेस थ्रू वन विंडो ऑपरेशन। हमने क्या किया है इसके अंदर कि 30 डेज के टाइम लिमिट भी रखी हुई है, अगर किसी जगह पे कोई डिस्प्यूट है इवन एट द प्रोविंशियल लेवल तो लोग मौजूद हैं, नामजदगी कर दी गई है, प्रॉब्लम है तो उसको फेस किया जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। तो अब वो डिले वाली टैक्टिक्स खत्म हो चुकी है, वन विंडो ऑपरेशन के तहत क्विक तरीके से काम करना है, तो दैट अगेन इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ मैं और चीज़ों पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। दो तीन चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी पुरानी चली आ रही थी मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT में डाटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि वेबसाइट पे मौजूद रहा, डिफरेंट स्टेक होल्डर इस पर आते रहे, मेरा ख्याल है आई एम नॉट रॉन्ग 57 स्टेक होल्डर ने इसके ऊपर अपनी राय दी है, जिसमें US चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है। उन तमाम जिसे कहते हैं उनके मशवरों को शामिल किया जा रहा है, वर्ड टू वर्ड उसके ऊपर जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से तकरीबन फाइनलाइज है, मुख्तदर हलकों को रवाना कर दिया गया है, वहाँ से भी जो भी चीज़ें आएंगी इसको हम फाइनलाइज कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला दोबारा कैबिनेट में इसको पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि दो और चीज़ें, नेशनल ब्रॉडबैंड पॉलिसी हो या साइबर सिक्योरिटी बिल 21 हो, ये भी ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ IT के वेबसाइट पर मौजूद है कि तमाम स्टेक होल्डर इसके ऊपर अगर कंसल्टेंसी करना चाहें, अपना मशवरा देना चाहें, राय देना चाहें, यकीनन दे आर ऑल वेलकम। ये जो हमारे चीज़ें रुक रही थी इसको हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और आज मेरा ख्याल है कि जब मैं यहाँ पर आया तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर चारों टेलकोस के CEO मौजूद हैं, इरफान इज हियर, आमिर इज हियर, नदीम भाई इज हियर, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं समझता हूँ कि बड़े अचीवमेंट है कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर अच्छा ये भी लगा कि जो NIC की जो जोड़ी है, परवेज अब्बासी साहब और ज़ुबैर खालिक साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे सिराज साहब नज़र नहीं आ रहे थे तो मैं बड़ा परेशान था कि उनके बगैर हमारी तकरीर मुकम्मल ही नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं तकरीर करने खड़ा हुआ तो मैं इन्हें देख रहा हूँ मौजूद हैं और यकीनन राइट ऑफ वे पे इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये हर वक्त आके जिसे कहते हैं बड़े पुरजोश तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ IT में मुलाकात करना, उसके लिए बातें करना, तो यकीनन आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत है इसके अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहेगा कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इस मामले में और बेहतरी की तरफ जाएगी। 5G, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम बैन अल-अक़वामी जिसे कहते हैं कि लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए, मिनिस्ट्री ऑफ IT भी इसके ऊपर काम कर रही है और मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्रेटरी साहब ने गालिबन आज से 4 या 5 दिन पहले आपके डायरेक्टिव से मेरा ख्याल है मेंबर टेलीकॉम ने एक मीटिंग भी चेयर किया है और तमाम स्टेक होल्डर को बुलाकर कि हमारी रेडीनेस देखा जाए कि क्या है, कहाँ तक है। अच्छी बात यह है कि मेरा ख्याल है 4G की पेनिट्रेशन बढ़ रही है और 4G की पेनिट्रेशन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वी नीड टू बी गो अप टू 50% प्लस, तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा संगमिल अबूर करेंगे। तो आई होप कि जून जुलाई तक हम इसको, इस संगमिल को भी अबूर कर लेंगे। यस, 5G के लिए भी हमारी तैयारी जारी है कि हम इसको बेहतर से बेहतर करें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
कि आईटी पार्क फॉर इस्लामाबाद तमाम मसाइल से निकल चुका है। इंशाल्लाह ताला गालिबन 14 या 15 या 16 मार्च को इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। इसके बारे में तफसील मेरा ख्याल जब प्रोग्राम होगा उसमें बताई जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पे इम्पोर्टेंट क्या है कि तमाम स्टेक होल्डर को इसमें शामिल किया जाएगा, उनके मशवरों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। पाशा लीडिंग रोल होगा, बाकी तमाम टीम उनके साथ होगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से कराची का आईटी पार्क जो शहर फैसल पर है, सिविल एविएशन के साथ कोऑर्डिनेशन है इंशाल्लाह ताला, उसके ऊपर भी काम जारी है। उसके हवाले से भी मेरा ख्याल अगले चंद हफ्तों में या चंद महीनों के अंदर आप खुशखबरी सुनेंगे कि कराची में भी आईटी पार्क इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उस वो जो सख्त पीते के नज़र हो रहा था उसे भी निकाल कर उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। दो तीन चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एडिशनल स्पेक्ट्रम, शुरू दिन से मेरा ख्याल है कि इस पर मामला चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है सबके इल्म में है, कमेटी बनाई जा चुकी है डॉक्टर हाफिज शेख साहब के सरबराही में, मीटिंगें दो तीन मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैड बीन हायर और प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च द इंटरनेशनल कंसल्टेंट इज गोइंग टू सबमिट देयर रिपोर्ट। उसके बाद हम इस पर काम शुरू करेंगे कि और कैसे बेहतर हो सकता है, और जहाँ जहाँ पे सूरत हाल है इधर इतना जैज हो, आप इरफान हो या नदीम हो या जोंग हो, कोई भी हो, तो उनके साथ एक जिसे कहते हैं कि बाहमी एतमाद के साथ और बराबरी के बुनियाद पर, जस्टिस के बुनियाद पर तमाम चीज़ों को देखा जाएगा इंशाल्लाह। वेरी इंपॉर्टेंट इशू मैं समझता हूँ कि टेलीकॉम टैक्सेशन, काफ़ी दिनों से यह मामला चल रहे थे और आपके जो मशवरा था उन मशवरों को शामिल करते हुए मिनिस्टर ऑफ आईटी ने इसको आगे लेकर गई। मामला गालिबन आगे गया ईसीसी में, वहाँ पर इन प्रिंसिपल पहले एग्री किया गया लेकिन एक सब कमेटी बना दी गई डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के सरबराही में। अच्छी बात ये थी कि खुद वो ब्रॉडमाइंड आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, मार्केट को समझते हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है मुख्तलिफ मीटिंग की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तमाम सीईओस के साथ भी उन्होंने मीटिंग की, आपके मशवरों को शामिल किया गया और आप ही के मशवरों के बाद ईसीसी से इसको अप्रूवल हो गई है। रेस्ट एश्योर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको बहुत जल्द कैबिनेट से भी अप्रूव कराऊंगा। इम्पॉर्टेंट एक बात मेरा ख्याल है कि शुरू दिनों से हमेशा मैं करता चला आ रहा हूँ और हमेशा मिनिस्टर ऑफ आईटी इसका क्रेडिट भी लेती है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने हमेशा कहा है कि 60-70 की दहाई में जो नुकसान हमने गाड़ियां ना बनाकर पाकिस्तान में किया, आज अगर हम गाड़ियां बना रहे थे क्योंकि 60-70 में तो ऑडियो BMW पाकिस्तान में बन रही होती है, वरना आज भी मेहरान और एल्टो के पीछे लगे हुए। उन कोताहियों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मई के महीने में इस पर काम शुरू हुआ, पॉलिसी बनाई, इसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, आप हमेशा आते रहे, बताते रहे, गाइड करते रहे, मशवरा देते रहे और हमने ब्रॉडमाइंड तरीके से उन मशवरों को शामिल किया अपने और मिनिस्ट्री के साथ, ECC में अप्रूव हुई, कैबिनेट से अप्रूव हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरी इतलाहत है उसके हिसाब से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जो मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली की तरफ जा रही हैं। वीवो है, टेक्नो है, मेरा ख्याल ये तमाम लोग अब शुरू कर रहे हैं, तो ये इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। और मेरा ख्याल है कि मेरी जब आमिर हफीज से हमेशा बात हुई है तो हमेशा इन्होंने कहा है कि हमें सस्ता मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो 1,00,000, 1,50,000 वाला नहीं चाहिए, सस्ता मोबाइल फ़ोन जो 5,000, 8,000, 10,000 वाला हो, जो मेरे नौजवानों के हाथ में हो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अगर अमल होंगी तो चीज़ें बेहतरी होंगी। दूसरी बात, हमेशा आप लोगों की एक बात हमेशा मेरे जहन में रहती है और अप्रोप्रिएट टाइम पर यकीनन उस पर भी अमल कराया जाएगा कि अगर एक जगह कोई कंपनी फ़ोन ले लेती है और अगर कोई किस्तों पर भी हासिल करता है तो वो भी आगे चल के हमें बेनिफिट मिल सकता है। इस पर भी मेरा ख्याल है किसी वक्त बैठेंगे आपके साथ, मेरा ख्याल रिटर्न में जिसे कहते हैं कि आपकी सजेशन लेंगे और उस पर अमल कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऑल टुगेदर हम समझते जो मैंने अल्फाज कहे हैं कि यूनिटी एंड ट्रस्ट, आपका हम पे ट्रस्ट होना चाहिए और साथ साथ ये भी समझने की है कि आप सब प्राइवेट सेक्टर से, आपकी ख्वाहिश होती है कि बस आज हम मशवरा दें और विद इन 1 वीक अमल हो, लेकिन जब आप गवर्नमेंट सेक्टर को देखते हैं, मेरा ख्याल नदीम भाई मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इस मामले में कि मुश्किलात रहती हैं,
बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। आपने एक मीटिंग बुलाई और अगर उस मीटिंग में दो आदमी नहीं आएगा तो अगले दिनों आप शोकास नोटिस जारी कर देते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, उसकी एक छुट्टी की एप्लीकेशन आ जाएगी, बीमारी की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो ये चीज़ें समटाइम प्रोलॉन्ग होती है, बट द बॉटम लाइन कि आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए कि इंडस्ट्री की तरक्की कैसे करनी है। तो दैट्स वॉट मैं समझता मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में विजन है, और द क्रेडिट गोज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि डिजिटल पाकिस्तान का जो उन्होंने नारा दिया है, मैं समझता सो फार इट्स गोइंग वेरी वेल। और इंशाल्लाह ताला आपस में मिलके आपके मशवरों और हमारी रिकमेंडेशन दोनों चीज़ें शामिल रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल जैसे कहते हैं कौम बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एयर कॉस्ट होगी और किसी को फ्रीज नहीं किया जाएगा सर, क्योंकि टेलीकॉम जो सेल ऑपरेटर्स हैं अगर इन्होंने $400 मिलियन दे के पूरे कंट्री वाइड स्पेक्ट्रम लिया हुआ है तो सर फिर कोई भी पॉकेट, कोई भी रियल एस्टेट होल्डर उनसे एयर चार्जेस तो नहीं चार्ज कर सकता।